वेलकम टू बानिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उड़ीसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की कुछ वैकेंसियां निकली हुई हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किस किस पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जॉब क्वालिफिकेशन जो वैकेंसी निकली है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या एज रिक्वायर्ड है, क्या आपका कितने से कितने एज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कितनी पोस्ट है ए टू जेड सारा आज हम लोग क्या करेंगे थोड़ा आपको डिटेल में आज को मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए जो ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है उसकी दो पोस्ट की वैकेंसी निकली है। एक हो गया आपका असिस्टेंट मैनेजर एंड एक हो गया आपका बैंकिंग असिस्टेंट। क्लियर, दो पोस्ट की वैकेंसी निकली है आपकी, एक हो गया आपका असिस्टेंट मैनेजर और एक हो गया क्या बैंकिंग असिस्टेंट। अगर बात किया जाए असिस्टेंट मैनेजर की तो इसकी टोटल 255 पोस्ट निकली है, 255 वैकेंसी इसकी निकली हुई है। और वहीं अगर बैंकिंग असिस्टेंट की बात किया जाए तो इसकी टोटल पोस्ट निकली है आपका 470। दोनों के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए सिंपली आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ कंप्यूटर नॉलेज। आपके पास क्या होना चाहिए, थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। क्लियर, सो एनी डिग्री विथ प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए एनी स्ट्रीम आर्ट साइंस एंड कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम के आपका बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक इसकी पोस्ट की सैलरी का बात किया जाए तो जो असिस्टेंट मैनेजर है इसका सैलरी हो गया, याद रखिएगा पे स्केल 9300 से लेकर आपका 34800, 9300 से लेकर 34800 पे स्केल में है। और वहीं अगर बैंकिंग असिस्टेंट का बात किया जाए तो इसका है याद रखिएगा 5200 से लेकर आपका 20200 क्या है आपका इसका पे स्केल है। क्लियर, अगर और थोड़ा डिटेल बात किया जाए इसके बारे में, सो वी आर प्रोवाइडिंग बानिक इज प्रोवाइडिंग ऑनलाइन टेस्ट एंड वीडियो डिस्कशन, ऑनलाइन टेस्ट एंड वीडियो डिस्कशन ऑफ दिस टू पोस्ट दैट इज द असिस्टेंट मैनेजर एंड द बैंकिंग असिस्टेंट। यू कैन विजिट आवर वेबसाइट banikonline.com, ओके banikonline.com आप विजिट कर सकते हैं, आपको वहां पे ए टू जेड इस पोस्ट की सारी डिटेल मिल जाएंगी, इनके वैकेंसियां और हम लोग क्या क्या इसका प्रोवाइड कर रहे हैं आपको यहां पे सारा चीज मिल जाएगा। क्लियर, अगर और कुछ बात किया जाए तो याद रखिएगा इसका जो एज लिमिट है, एज लिमिट यहां पे दिया गया है कितना से कितने बच्चे आपका कौन कौन सा एज के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो ऑल कैंडिडेट्स 21 से लेकर 32 ईयर तक, ओके जिनका वन जिसका मिनिमम एज चाहिए आपका 21 और जो मैक्सिमम एज है वो आपका 32, तो 21 से लेकर 32 ईयर्स के जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए आपका अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एससी एसटी एंड ओमेन कैंडिडेट द 5-year रिलैक्सेशन हैज बीन गिवन एंड वेर एज फॉर द पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कंसर्न हियर ऑल्सो 10 years रिलैक्सेशन हैज बीन गिवेन फॉर द एप्लीकेशन द चिल्ड्रेन वांट टू अप्लाई। सो यहां पे कुछ इंपोर्टेंट डेट दिया गया है जैसे कि कब निकला है, देखिए स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट होगा याद देखिएगा 29/12/2021, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है ये, क्लियर 29/12/2021 से क्या होगा इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का याद रखिएगा 17/1/2022 तक आप लोग क्या कर सकते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो प्रीलिम एग्जामिनेशन होगा ये आपका होगा फरवरी-मार्च 2022 में और जो मेन एग्जाम होगा वो होगा आपका अप्रैल-मई 2022 में। क्लियर, तो ये कुछ इंपोर्टेंट डेट है आप लोग इसको याद कर सकते हैं या फिर आप लोग लिख सकते हैं अपने कॉपी में कि इस प्रकार से ये डेट में आपका एक टेंटेटिव डेट आपका दिया गया है, ये तो आपका दो फिक्स्ड है। क्लियर, स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड लास्ट डेट, बाकी ये जो दो दिया गया है क्या दिया गया है एक आपको टेंटेटिव डेट दे दिया गया है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर का बात किया जाए तो कौन कौन सा स्टेज से गुजरना पड़ेगा आपको, तो आपको पहले देना पड़ेगा भाई प्रीलिम एग्जाम एक होगा, उसके बाद आपका एक मेन एग्जाम होगा और उसके बाद फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तीन स्टेज होंगे इसके, प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एप्लीकेशन फी का अगर बात किया जाए तो जितने भी अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और एससीबीसी कैंडिडेट हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस होगा वो होगा आपका 1000 रुपीज, और वहीं अगर एससी एसटी कैंडिडेट का बात किया जाए तो उनके लिए जो एप्लीकेशन फीस होगा वो होगा आपका याद रखिएगा 600 रुपीज आपका एप्लीकेशन फीस इसका होगा। और कुछ अगर बात किया जाए इसके बारे में और डिटेल स्टडी किया जाए तो देखिए आपका जो प्रीलिम एग्जाम होगा, प्रीलिम एग्जाम जो होगा वो आपका तीन सेक्शन से आपको क्वेश्चन पूछेगा, एक हो गया आपका इंग्लिश, एक हो गया आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स और तीसरा हो गया आपका रीजनिंग। तीन सेक्शन से आपका क्वेश्चन पूछेगा, एक हो गया आपका इंग्लिश, दूसरा हो गया आपका मैथ और तीसरा हो गया आपका रीजनिंग।
टोटल मार्क का बात किया जाए तो प्रीलिम एग्जाम आपका 100 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, टोटल टाइम आपको दिया जाएगा याद रखिएगा एक घंटा का आपके पास टोटल टाइम होगा। वहीं अगर मेन एग्जाम का बात किया जाए तो जो मेन एग्जाम होगा वो आपका याद रखिएगा टोटल 160 मार्क का होगा, टोटल टाइम होगा याद रखिएगा इसके लिए 140 मिनट, और इसमें आपको चार सेक्शन पूछेगी। एक हो गया आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, दूसरी होंगी आपकी इंग्लिश की, तीसरी होगी आपका रीजनिंग, और चौथा हो गया आपका मैथमेटिक्स। बात किया जाए कितने कितने मार्क का आएगा, तो याद रखिएगा जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आपका 40 मार्क का आएगा, 40 क्वेश्चन इसमें रहेंगी। इंग्लिश का अगर बात किया जाए तो इसमें भी 40 क्वेश्चन रहेंगी, 40 मार्क का रहेगा ये। रीजनिंग का अगर बात किया जाए तो इसका है आपका 40 क्वेश्चन 40 मार्क, और न्यूमेरिकल एबिलिटी का बात किया जाए तो ये भी हो गया 40 क्वेश्चन एंड 40 मार्क। बोलने का मतलब ये है कि टोटल आपका एग्जाम होगा ये 160 क्वेश्चन का, और जो टोटल मार्क रहेगा वो भी रहेगा आपका 160, और जो टोटल टाइम आपको दिया जाएगा वो रहेगा आपका याद देखिएगा 140 मिनट। इसको अप्लाई करने का जो इंपोर्टेंट लिंक है वो यहां पे दिया गया, देखिए stpodishascb.com। ओके, आपका odishascb.com पे आप लोग जा सकते हैं, वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं और कुछ बात किया जाए, जहां तक अगर बानिक का बात किया जाए, बानिक क्या अप्लाई कर रहा है आपको, बानिक इसमें आप लोग क्या कर हेल्प कर सकता है, तो बानिक आपको यहां पे प्रोवाइड कर सकता है ऑफलाइन क्लासेस। क्लियर, ये जो कोर्स निकला है, ये जो वैकेंसी निकला है, इस वैकेंसी का ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप लोग चाहे तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन लेने में पॉसिबल नहीं हो रहा है तो यू कैन टेक द ऑनलाइन लाइव क्लासेस। ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी इसके चल रही है, एडमिशन शुरू हो चुका है, अगर आप लोग चाहें तो इसका ले सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग द स्टडी मेटेरियल, ऑल स्टडी मेटेरियल हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू एज फार एज द कोर्स के हिसाब से जो भी आपको स्टडी मेटेरियल चाहिए, स्टडी मेटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, पब्लिकेशन बुक, जो भी बुक रिक्वायर्ड है आपके प्रैक्टिस के लिए वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, एंड एज वेल एज यू प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज। क्लियर, सो इट इज ऑल अबाउट, यू कैन से दैट द ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वैकेंसी। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपको हेल्प करेगा, तो डेट याद रखिएगा कब आप लोग अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। इसके लिए अप्लाई करने का जो डेट स्टार्ट होगा वो होगा आपका याद रखिएगा 29 तारीख से स्टार्ट होगा, एंड द लास्ट डेट इज योर 17/1/2022। क्लियर हो गया, चलिए, थैंक यू सो मच।